हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ कर्म एंड को एजुकेशन चैनल में। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं 16th of January से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इंडिया स्टैंड्स डैश व्हेन इट कम्स टू हैविंग अ पावरफुल आर्मी। तो हमें बताना है इंडिया कहाँ स्टैंड्स करता है, कितने नंबर पर स्टैंड करता है अगर पावरफुल आर्मी के टर्म्स में हम बात करें, ठीक है, वर्ल्ड में। हेयर ऑप्शन की 4th, 8th, 6th या 10th। सो हेयर ऑप्शन इज करेक्ट। इंडियन आर्मी हैज 1.4 मिलियन एक्टिव मिलिट्री पर्सनल। याद रखिएगा, इंडियन आर्मी के पास 1.4 मिलियन एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है। एंड हेयर चाइना हैज द लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू बीइंग पावरफुल। इंडिया स्टैंड्स 4th बिहाइंड द यूएस, चाइना एंड रशिया। ठीक है, तो इंडिया स्टैंड करता है 4th नंबर पे वर्ल्ड में, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पावरफुल आर्मी। और फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर यूएसए है, देन चाइना है, देन रशिया, एंड फोर्थ नंबर पे इंडिया है विथ 1.4 मिलियन एक्टिव मिलिट्री पर्सनल। सेकेंड क्वेश्चन इज हु इज अपॉइंटेड एज आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर। हमें बताना है किसका अपॉइंटमेंट ऐसा हुआ है आरबीआई डिप्यूटी गवर्नर में। हेयर ऑप्शन गिवन एन एस विश्वनाथन, बीपी कानूगो, माइकल पत्रा या उर्जित पटेल। सो हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट। द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड माइकल देवव्रता पत्रा एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर डेप्यूटी गवर्नर के पोजिशन पे अपॉइंट किया है माइकल पत्रा को। ठीक है, हेयर अपॉइंटमेंट वॉज अप्रूव्ड बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट। ही विल होल्ड द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। 3 साल तक ये इस पोजिशन पर रहेंगे डेप्यूटी गवर्नर के। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। हमें बताना है किस कंट्री के पास सबसे ज्यादा लार्जेस्ट आर्मी है वर्ल्ड में। तो मैं आपको इसको प्रीवियसली बता चुकी हूँ। ऑप्शन इज करेक्ट। यूएस के पास सबसे ज्यादा आर्मी है वर्ल्ड में, देन सेकेंड पोजिशन पे चाइना है, देन रशिया, एंड फोर्थ नंबर पे इंडिया है। What is the estimated cost of the Mumbai Trans Harbour Link project? हमें बताना है कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या रखा गया है। योर ऑप्शन गिवन 5000 करोड़, 11,850 करोड़, 18,000 करोड़ या 22,000 करोड़। सो हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च द फर्स्ट ग्रीडर ऑफ द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक इन जनवरी 2020। तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला है फर्स्ट ग्रीडर ऑफ द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को, ठीक है, जनवरी में। और एस्टिमेटेड कॉस्ट इस प्रोजेक्ट का रखा गया है 18,000 करोड़। याद रखिएगा, 18,000 करोड़ इसे प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट रखा गया है। एंड हियर द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीट बाई 2022। ठीक है, 2022 का इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट कर लिया जाएगा। वो वॉज द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। हमें बताना है कि इंडियन आर्मी के फर्स्ट कमांडर, इंडियन आर्मी के फर्स्ट इंडियन कमांडर और इन चीफ कौन है। हेयर ऑप्शन की मदप्पा करियप्पा ओबीई, सैम मैनिकशॉ, गोदाम डेरा, सुभैया थिमैया या परामशिवा प्रभाकर कुमार रंग मंगलम। सो हेयर ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ऑन 15th of January कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मी वॉज हैंडल्ड ओवर द जनरल सर फ्रांसिस बूचर टू लेफ्टिनेंट जनरल के एम पेरिप्पा। तो के एम पेरिप्पा थे पहले इंडियन कमांडर इन चीफ। ठीक है, फर्स्ट इंडियन कमांडर चीफ ऑफ इंडियन आर्मी थे। ही लेड इंडियन फोर्सेज ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तानी वार ऑफ 1947। द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश टू इंडियन सिग्निफाइज एन इंपॉर्टेंट मूवमेंट इन द इंडियन हिस्ट्री। इसरो इज टू लॉन्च डैश ऑन बोर्ड द एरियाने 5 लॉन्च व्हीकल फ्रॉम फ्रेंच गुआना नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सॉर्बन अमेरिका ऑन 17th of January 2020। तो इसरो यहाँ पर कौन सा जीसेट का जो सीरीज है वो ऑन बोर्ड लॉन्च करने वाला है फ्रेंच गुआना नॉर्दर्न ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथर्न अमेरिका से 17 जनवरी को। ये ऑप्शन के में G-SAT-4B, G-SAT-30, G-SAT-1A या G-SAT-45। सो ये ऑप्शन बीस करें। इसरो इज टू लॉन्च अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट जी सिंक्रोनस सैटेलाइट G-SAT-30 ऑन बोर्ड द एरियान 5 लॉन्च व्हीकल से फ्रेंच गुयाना नॉर्दर्न ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथर्न अमेरिका 17 जनवरी को ये लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। फ्रेंच गुआना से लॉन्च किया जाएगा और व्हीकल का नाम क्या है, एरियान 5 लॉन्च व्हीकल इसका नाम है। इससे G-SAT-30 सैटेलाइट जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसे लॉन्च किया जाएगा। When was the Indian Army officially established? Indian Army officially कब बना? Here option given 26 January 1864, 1st of June 1870, 15th of May 1883 या 1st April 1895। So here option D is correct.
इंडियन आर्मी फर्स्ट ऑफिशियली एस्टेब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1995 में, बट ओनली इन 1949 आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडियन आर्मी गॉट इट्स फर्स्ट चीफ. ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन आर्मी को फर्स्ट चीफ इनका मिला. एंड ऑन 5th of January कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मी वॉज हैंडेड ओवर फ्रॉम द जनरल सर फ्रांसिस बूचर टू लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा. द ट्रांसफर ऑफ द पावर फ्रॉम द ब्रिटिश टू इंडिया सिग्निफाइज एन इंपॉर्टेंट मूवमेंट इन द इंडियन हिस्ट्री. The main purpose of GSAT-30 is to serve as a replacement to Dash spacecraft services with enhanced coverage. ठीक है, your option given INSAT-4A, INSAT-4B, ISAT-1A या ISAT-1B. So your option A is correct. Indian Space Organization Research Organization is to launch a communication satellite GSAT-30 on board the Ariane 5 launch vehicle from French Guiana, North Indian coast of Southern America on 17th of January 2020. The main purpose of GSAT का क्या होगा कि INSAT-4A को रिप्लेस करना. ठीक है, INSAT-4A स्पेस क्राफ्ट सर्विसेज को रिप्लेस करना विथ इनहांस कवरेज के द्वारा. When is the Indian Army observed? ठीक है, मतलब हमें बताना है कि इंडियन डे कब मनाया जाता है. ऑप्शन की 10th of Jan, 12th of Jan, 15th of Jan या 26th January. सो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट. इंडियन आर्मी हर साल 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है. एंड इन दिस ईयर इंडिया सेलिब्रेट्स 72nd आर्मी डे ऑन 15th of January 2020. आर्मी कमांड हेडक्वार्टर्स इन द नेशनल कैपिटल एज वेल एज इन द अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री सेलिब्रेट द ओकेजन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मिलिट्री परेड्स एंड अदर शोज ऑफ स्ट्रेंथ. ठीक है, तो हर साल 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है. डैश एंटर्ड द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 8 वंडर्स ऑफ SCO लिस्ट. ठीक है, हमें बताना है किस कौन सा इसमें से जो वंडर है. ठीक है, कौन सा इसमें से जो प्लेस है. ठीक है, या मॉन्यूमेंट है जो कि एंटर कर गया है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 8 वंडर ऑफ SCO लिस्ट में. ये ऑप्शन गिवन अंबेर प्लेस, पैलेस, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हवा महल या जामा मस्जिद. सो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट. 182 मीटर टॉल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन गुजरात एंटर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 8 वंडर ऑफ SCO लिस्ट. ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसा फिगर में देख सकते हो, सरदार वल्लभ भाई के कमोमेरेट में मेमोरी में इसे बनाया गया है. ठीक है, तो ये एंटर कर गया है संघाई कॉर्पोरेशन के ऑर्गेनाइजेशन के 8 वंडर ऑफ SCO लिस्ट में. एंड हियर द अनाउंसमेंट वाज मेड बाय द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर. 13 जनवरी को एस जयशंकर ने अनाउंस किया था इस चीज को. एंड हियर SCO एम्स टू प्रमोट टूरिज्म अमॉन्ग मेंबर नेशंस. अंडर विच स्कीम ऑफ गोवा प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स विल गिवन अ डायग्नोस्टिक किट टू कंडक्ट बेसिक डायग्नोस्टिक टेस्ट एट पीपल्स डोर स्टोर सो डैट एवरी इंडिविजुअल विल गिवन द बेसिक हेल्थ केयर. हेयर ऑप्शन गिवन यशस्विनी स्कीम, स्वास्थ्य सहायक स्कीम, आरोग्य कोष स्कीम या अटल अमृत अभियान. सो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट. अंडर द स्वास्थ्य सहायक स्कीम प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स को डायग्नोस्टिक किट दिया जाएगा जो कि हेल्प करेगा उन्हें बेसिक डायग्नोस्टिक टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए पीपल डोर स्टेप सो डैट एवरी इंडिविजुअल विल गिवन बेसिक, ताकि हर एक इंडिविजुअल को बेसिक हेल्थ केयर मिल सके. ठीक है, तो स्वास्थ्य सहायक स्कीम नाम है इस चीज का. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज अ मॉन्यूमेंटल ट्रिब्यूट टू डैश. तो आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट. सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये मॉन्यूमेंटल ट्रिब्यूट है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सॉरी. अंडर द यशस्विनी स्कीम वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विल बी गिवन इंटरेस्ट फ्री लोन्स ऑफ अप टू डैश फॉर बिजनेस. हियर ऑप्शन गिवन 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 12 लाख. सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट. अंडर द यशस्विनी स्कीम वोमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिलेगा अप टू 5 लाख के लिए बिजनेस के लिए. ऑल्सो आदर्श सतारी महिला मंडल गुलेली सतारी फोइनिक्स वोमेन्स विंग सेल्फ हेल्प ग्रुप उमंग सेल्फ हेल्प ग्रुप सेल्केट वेलपॉय सतारी वी आर ऑल्सो गिवन लोन्स अंडर द स्कीम. इट एम्स टू सपोर्ट वोमेन एंटरप्रेन्योर्स इन द स्टेट. ठीक है, तो इस बेसिकली इस प्रोजेक्ट का स्कीम का एम क्या है, वोमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लोकेटेड इन, इसका भी आंसर आपको पता होगा, गुजरात में लोकेटेड है. ठीक है, द एविएशन मिनिस्ट्री अनाउंस्ड अ स्कीम दैट प्रोवाइडिंग अ विंडो अप टू डैश फॉर वॉलेंटरी रजिस्टर्स ऑफ ऑल ड्रोन्स एंड देयर ऑपरेटर्स. हियर ऑप्शन गिवन 5th of Jan, 31st Jan, 1st Jan या 31st March. सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, एविएशन मिनिस्ट्री ने इस स्कीम अनाउंस किया है जिसके तहत विंडो 31st January तक ओपन रहेगा फॉर वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल ड्रोन्स एंड देयर ऑपरेटर्स. दोज हु फेल टू रजिस्टर विल फेस एक्शन अगेंस्ट अंडर द इंडियन पैनल कोड एंड द एयरक्राफ्ट एक्ट.
ठीक है, तो इसी के साथ ही आज का हमारा सेशन खत्म होता है। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ हमारे सेशन को लाइक एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।